हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, पुणे यूनिवर्सिटी ने कैरी ऑन के ऊपर जो अपना ऑफिशियल सर्कुलर है वो रिलीज़ कर दिया है एंड बताया है कि कौन से स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल रहेंगे। एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में एग्जांपल्स देके बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो कैरी ऑन का यूज़ करके अपना जो ईयर ड्रॉप होने वाला था उसको जो है वो बचा सकते हो। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या आपको कैरी ऑन लेना चाहिए या फिर नहीं, बिकॉज़ मुझे कुछ चीज़ें या फिर कुछ सिचुएशन में ऐसा भी लगता है कि कैरी ऑन अगर नहीं लिया तो ज़्यादा बेटर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो ये है गाइस पुणे यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल सर्कुलर, इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है। अब इसी इन्फॉर्मेशन को मैं ट्राई करता हूँ कि आपको और ईजी वे में जो है वो समझाऊँ। ठीक है, तो भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन वाले स्टूडेंट होंगे, किसी का फर्स्ट ईयर बैकलॉग होगा, किसी का सेकंड ईयर, तो कुछ सिनेरियोज़ में सपोज करके आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना तो आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आएगी। ठीक है, तो देखो ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको अभी थर्ड ईयर में एडमिशन लेना होगा, बट थर्ड ईयर जो है वो क्लियरली बोलता है कि थर्ड ईयर में अगर तुझे एडमिशन चाहिए तो तेरा फर्स्ट ईयर जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में कोई भी बैकलॉग जो है वो नहीं रहना चाहिए, तभी आपको जो थर्ड ईयर में एडमिशन है वो मिलेगा। ठीक है, बट नहीं, अभी ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके फर्स्ट ईयर में बैकलॉग होंगे, सेकेंड ईयर में उन्होंने कुछ सब्जेक्ट निकाल लिए होंगे, मतलब 50% से ज़्यादा क्रेडिट हो गया होगा, तो अभी वो चाह रहे होंगे कि यार थर्ड ईयर में एडमिशन दे दो, एक ही तो बैकलॉग था फर्स्ट ईयर का, तो क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर ईयर वेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए ये जो कैरी ऑन है इसका अपडेट आया है। ठीक है, तो अभी गाइज आप जो है वो थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हो अगर आपका फर्स्ट ईयर में बैकलॉग है तो भी। ठीक है, मतलब अभी आप एडमिशन ले सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो मतलब सपोज किया है कि एक स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट ईयर में अभी जो है वो दो बैकलॉग है, सेकेंड ईयर उसका कंप्लीट हो चुका है एंड थर्ड ईयर में वो एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, तो अभी कैरी ऑन के थ्रू आपको थर्ड ईयर में जो एडमिशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा कैरी ऑन का, ये आपको फ़ायदा होगा। सेम वही अगर हम नेक्स्ट सिनेरियो की बात करें तो सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट जिसके सेकेंड ईयर के बैकलॉग है, थर्ड ईयर उसका कंप्लीट हो चुका है एंड फोर्थ ईयर में एडमिशन लेना चाहता है, तो फोर्थ ईयर भी ये क्लियर बोलता है कि अगर तुम्हारा सेकेंड ईयर पूरा कंप्लीट होगा तभी आपको फोर्थ ईयर में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, बट इस साल कैरी ऑन है, तो अगर आपका सेकेंड ईयर में दो तीन बैकलॉग है एंड थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया है तो आप फोर्थ ईयर में जो है वो एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। ठीक है, अब ये ट्विस्ट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब क्या है ट्विस्ट ये आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करते फर्स्ट वाला सिनेरियो हम लेते हैं, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, आप अगर अपने फोर्थ ईयर में जाना चाहते हो तो आप इससे रिलेट कर सकते हो एंड एग्जांपल चेंज कर सकते हो। ठीक है, सपोज़ आपके फर्स्ट ईयर में दो बैकलॉग है एंड आप अभी थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, तो पुणे यूनिवर्सिटी का क्या कहना है कि देखो बेटा, हम आपको थर्ड ईयर में जो एडमिशन है वो तो दे देंगे, बट आपको थर्ड ईयर में जब आप एडमिशन लोगे तो थर्ड ईयर की आपकी जब फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो इसमें आपको कॉलेजेस अटेंड करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स, वो सारी चीज़ें करना पड़ेगा। ठीक है, बट फिफ्थ सेम की जो रेगुलर एग्ज़ाम रहेगी वो हम आपको जो है वो देने नहीं देंगे। ये फिफ्थ सेमेस्टर में आपको जो है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की जो बैकलॉग, फर्स्ट ईयर के जो भी फर्स्ट ईयर के बैकलॉग्स होंगे, सपोज़ दो होंगे, तीन होंगे, उनकी आपको यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है वो देना पड़ेगा। सपोज़ करते दो आपके बैकलॉग है फर्स्ट ईयर के, तो वो एग्ज़ाम आपको यहाँ पे पहले देना पड़ेगा। ठीक है, अगर सपोज़ आपने ये जो भी जितने भी बैकलॉग होंगे आपके फर्स्ट ईयर के, सपोज़ दो हमने किया है, तो दो बैकलॉग अगर आप पास हो जाते हो तब आप जो है वो एलिजिबल होगे थर्ड ईयर के लिए एंड फिर आप जो है वो सिक्स सेमेस्टर में जाओगे एंड सिक्स सेमेस्टर में आपकी जो फिफ्थ सेमेस्टर की रेगुलर एग्ज़ाम एंड सिक्स सेमेस्टर की जो रेगुलर एग्ज़ाम है वो कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर की जो आपकी एंड सेम एग्ज़ाम होगी, ये दोनों एग्ज़ाम जो है वो साथ में देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा ये जो रूल है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है एंड इसमें आपकी ही गलती है। ठीक है, क्यों गलती है वो भी बता देता हूँ। तो देखो, फर्स्ट ईयर के पेपर इसलिए निकालना है क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर के पेपर आप नहीं निकालोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये स्पेशल रूल है, इसलिए आपको कैरी ऑन मिल रहा है, इसलिए आपको एक और एक्स्ट्रा चांस मिल रहा है ताकि आप फिफ्थ सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर के पेपर जो है वो दे पाओ। निकलते हैं तो एलिजिबल रहोगे, नहीं निकलते अगर दो में से एक भी बैकलॉग लग गया तो आप जो है वो फिर मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आपको जो ईयर ड्रॉप है वो लग जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसा क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी बताते हो। ठीक है, देखो जो भी फर्स्ट ईयर का बंदा होगा, अब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम की जब एग्जामिनेशन हुई होगी तो वहाँ पे आपका एक चांस बना होगा, उसमें सपोज़ करते हैं कि आपका एक बैकलॉग लगा, फिर सेकेंड फर्स्ट ईयर की सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी। ठीक है, तो उसमें आपके पांच में से एक बैकलॉग लग गया होगा। ठीक है, तो पहले सेमेस्टर का एक बैकलॉग एंड सेकेंड सेमेस्टर का एक बैकलॉग। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के फर्स्ट ईयर के आपके दो बैकलॉग लग गए होंगे। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में आप गए होंगे, सपोज़ करते सेकेंड ईयर पूरा आपने अच्छे से निकाल लिया, ठीक है, जो कि होने के चांसेस कम है, बट सपोज़ करते। ठीक है, बट उस टाइम भी आपको सेकेंड ईयर में जब आप गए तो सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में भी आपने ये जो बैकलॉग के फर्स्ट ईयर वाले जो सब्जेक्ट्स है वो दिए होंगे, तब भी अगर आपके नहीं निकले होंगे तो सेकेंड ईयर के
फोर्थ सेमेस्टर में भी आपने फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स है वो दिए होंगे, तब भी आपके नहीं निकले होंगे। मतलब आपने चार बार अटेम्प्ट दिए तब भी आपके फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट बैकलॉग लगे थे वो नहीं निकले, ठीक है। तो अब पुणे यूनिवर्सिटी आपको एक्स्ट्रा चांस दे रहा है फिफ्थ सेमेस्टर में कि यहाँ पे निकाल लो। अब पुणे यूनिवर्सिटी गारंटी तो नहीं ले सकता है ना कि ये बच्चा निकाल ही लेगा। जिस बच्चे ने चार सेमेस्टर एक ही सब्जेक्ट नहीं निकाला उसकी पुणे यूनिवर्सिटी क्यों गारंटी ले कि यार ये निकाल ही लेगा फिफ्थ सेमेस्टर में, तो हम इनको फिफ्थ सेमेस्टर की भी एग्ज़ाम देने देंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो तो यही बोलेंगे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के निकालो सब्जेक्ट, निकलते फर्स्ट ईयर के तो आप फिर जो थर्ड ईयर के पेपर्स है वो दे पाओगे, ठीक है। बिकॉज देखो अगर ये दो सब्जेक्ट है ये नहीं निकलते तो फिर तो आप एलिजिबल ही नहीं हो ना थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो यही सब्जेक्ट्स के आप जो एग्ज़ाम है वो दे पाओगे फर्स्ट ईयर के, आप जो थर्ड ईयर की जो एग्जामिनेशन है रेगुलर एग्ज़ाम वो नहीं दे पाओगे। बिकॉज यहाँ पे बैकलॉग लग गए तो आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे एंड थर्ड ईयर के पेपर दे के कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ऐसा किया हुआ है, ये जो रूल है इसलिए निकाला है। एंड पुणे यूनिवर्सिटी को पता है यार जो बच्चा चार सेमेस्टर एक ही पेपर नहीं निकाल पाया उसको क्या गारंटी है कि वो फिर और एक अटेम्प्ट में निकाल ही पाएगा। तो इसलिए ऐसा है कि यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो आप निकालो, अगर निकलता है तो बहुत बढ़िया, आपका ईयर जो है वो ड्रॉप नहीं होगा। बट जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेक्टिक होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर की दोनों जो एग्जामिनेशन है वो एक साथ जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा और मतलब आपको थोड़ा और अच्छा मतलब सेफगार्ड करने के लिए एक चीज़ अच्छी की है कि जो फिफ्थ सेमेस्टर के आपके असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल्स ये सारी एग्जामिनेशन होगी उसके जो मार्क्स है वो आपके पहले से ही लॉक किए जाएंगे फिफ्थ सेमेस्टर में। बस आपकी जो एग्ज़ाम है रेगुलर एग्जाम फिफ्थ सेम एंड सिक्स सेम की वो आपकी जो है वो सिक्स सेमेस्टर में जो है वो कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल सिनेरियो। अब इसमें एक बहुत ख़तरनाक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका फर्स्ट ईयर तो निकला होगा अच्छे से, ठीक है, बस उसमें दो बैकलॉग होंगे इसकी वजह से एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो वो एडमिशन ले लेंगे। बट सेकेंड ईयर में भी किसी के और बैकलॉग होंगे तो ऐसे भी कंडीशन हो सकती है, तो उसमें जो बैकलॉग्स का अमाउंट है वो चार पाँच और हो जाता है। तो आपको बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना, थोड़ी चीज़ें समझना, ठीक है, खुद के बारे में सोचना कि इतने सब्जेक्ट्स आप निकाल पाओगे इस सेमेस्टर में या फिर नहीं। कुछ लोग बोलेंगे आपको कि मेहनत करना पड़ेगा या फिर ऐसा, अब मेहनत करोगे भी तो कितनी करोगे, ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स निकाल पाओगे एक साथ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अगर सब्जेक्ट्स बैकलॉग हो जाते हैं तो यहाँ पे भी कुछ रहेंगे, फिर आप फोर्थ ईयर में जाओगे, फिर फोर्थ ईयर में सेकेंड ईयर के निकालना वो अगर रहेंगे तो फोर्थ ईयर में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो बहुत सारा मतलब बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, तो ध्यान से सुनना। अगर एक दो ही सब्जेक्ट बचे हुए जिसकी वजह से एडमिशन नहीं लेकर सेकेंड ईयर पूरा क्लियर है तो आप ये कैरी ऑन लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी यही एग्जांपल आप फोर्थ ईयर के साथ रिलेट कर सकते हो कि सेकेंड ईयर बैकलॉग है फोर्थ ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो सेम आपके साथ भी जो है वैसा ही जो है वो होगा, ठीक है। तो ऐसा पूरा सिनेरियो था, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सेमिस्टर होगा आपका जो भी कैरी ऑन जाएंगे जो इवन सेमिस्टर होगा वो टफ जाएगा, इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। अब इन सेमिस्टर आपको देने दी जाएगी या फिर नहीं ऐसा कोई भी कंफर्म वहाँ पे मेंशन नहीं है, आप अपने कॉलेज में पूछो, कॉलेज में आप इतनी फ़ीस भरते हो कॉलेज वालों को पूछो, कॉलेज वाले बोलते हैं हमको पता ही नहीं है, तो उनको गर्म दो यार तुमको पता नहीं तो तुम हमारी फ़ीस क्यों ले रहे हो, तुमको इतना लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं तुमको वो भी नहीं पता, तुमको सर्कुलर आया वो भी नहीं पता, तो क्या ही पता है तुमको, कॉलेज को बोलो यार बताओ हमको, ठीक है, नहीं बताएंगे तो क्या ही, आप इतनी फ़ीस भर रहे हो आप यूट्यूब से जान रहे हो कि कैसे एग्ज़ाम दे, तो क्या ही फ़ायदा, कॉलेज में पूछो और अच्छे से पता चलेगा आपको, ठीक है। ये तो हो गया गाइस हमारा क्रिटिकल सब्जेक्ट वालों का सिनेरियो। अब बात करते हैं हमारे मेंटोर जिंदगी वाले स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अपना फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया एंड फर्स्ट ईयर में 10 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेम सेकंड सेम को मिला के, एंड इन 10 सब्जेक्ट्स को मिला के अगर आपके 50% क्रेडिट जो है वो कंप्लीट नहीं हुए तो आपको डायरेक्ट ईयर ड्रॉप जो है वो लग जाता है, ठीक है। ईयर ड्रॉप कब लगता है कि देखो 44 क्रेडिट्स हमें जो है वो लेना पड़ता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में सेम वन एंड सेम टू को मिला के, ठीक है। अगर इसमें से 44 क्रेडिट्स में से आपके 22 क्रेडिट्स या फिर इसके 22 क्रेडिट्स के ऊपर आपको जो है वो मिलना चाहिए ताकि तभी आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। अब इसमें कुछ महान लोग रहते हैं जिनके 18 ही क्रेडिट बनते हैं, जिनके 10 में से बस 4 ही सब्जेक्ट निकल पाते हैं या फिर 3 ही सब्जेक्ट निकल पाते हैं, तो ऐसे लोगों का क्लियरली जो है वो ईयर डाउन हो जाता है, ठीक है। अब इन स्टूडेंट्स को क्या हो सकता है कि इनको भी कैरी ऑन मिलेगा ये भी बता देता हूँ, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन तो नहीं है बट जितना मुझे सुनने में आया कि इनको भी मिलने वाला है, ठीक है। तो इनको अगर मिलेगा तो क्या होगा एंड क्या इनको लेना चाहिए या फिर नहीं, ये क्लियरली सुन लेना, मैं तो क्लियर कट बताऊँगा कि लेना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। तो ऐसा स्टूडेंट जिसके फर्स्ट ईयर में 50% क्रेडिट नहीं हुए, इसका मीनिंग यही होगा कि उसके 5 या फिर 6 से ज़्यादा बैकलॉग जो है वो लगे हैं, ठीक है, मतलब 10 में से 5 या फिर 6 बैकलॉग लगे, जनरली तभी ये जो सिनेरियो है वो बन पाता है। अगर 5 या फिर 6 निकाल लिए तो ये सिनेरियो नहीं बनता है। तो सपोज़ करते हैं उस स्टूडेंट के 6 बैकलॉग लगे फर्स्ट ईयर में एंड वो चाहते हैं कि कैरी ऑन मिले एंड मैं सेकंड ईयर में एडमिशन लूँ,
तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सेकेंड ईयर में जब वो बच्चा जाएगा तो सेकेंड ईयर के लेक्चर वेक्चर सब करना पड़ेगा। एंड देखो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग जितना मुझे लगता है वो ज़्यादा हेक्टिक होता है एज़ कम्पेयर टू थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ठीक है। तो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में जब वो जाएगा तो थर्ड सेम में उसकी जितनी बैकलॉग की एग्जामिनेशन है वो होगी। अब यहाँ पे जो है वो ईजी है, क्योंकि देखो अगर सपोज उसके 6 बैकलॉग लगे तो 6 में से अगर उसने 2 सब्जेक्ट भी निकाल लिए तब भी वो जो है वो एलिजिबल हो जाएगा एंड उसका एक जो ईयर है वो बच जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि सेकेंड ईयर में अगर तुमको एडमिशन लेना है तो तुम्हारा 50% या फिर उससे ज़्यादा क्रेडिट्स बनने चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में तुमने 10 में से 4 निकाल लिए, सेकेंड ईयर में तुमको कैरी ऑन के थ्रू एडमिशन मिल गया, 6 सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम दोगे बैकलॉग के, उसमें से 2 भी निकाल लिए तो आपके 10 में से पहले 4 निकल गए थे, 2 यहाँ पे निकल गए, 6 हो गए, 50% क्रेडिट के ऊपर ही हो गया, ठीक है। तो आप सेकेंड ईयर के एलिजिबल हो गए। बट जो ट्विस्ट है वो आपको मिलेगा फोर्थ सेमेस्टर में, बिकॉज पुणे यूनिवर्सिटी ने बोला है देखो बेटा आपको एडमिशन देंगे बट तुमको रेगुलर एग्जाम देने नहीं देंगे, पहले बैकलॉग की दो, ठीक है। बैकलॉग जब तुम क्लियर हो जाओगे, अब 6 में से कुछ मान लोगे थे 6 में से 6 भी बैकलॉग लगा देते, ठीक है, तो ऐसे लोग का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा एंड बैठो घर पे और पहले निकालो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ लोग निकाल लेंगे जितना मुझे पता है, तो अगर आप निकालते हो तो बहुत बढ़िया, फिर आप एलिजिबल हो जाओगे ऑफिशियली सेकेंड ईयर में, ठीक है। बट सेकेंड ईयर की जब फोर्थ ईयर की फोर्थ सेम की एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ पे आपको थर्ड सेम की रेगुलर एग्ज़ाम एंड फोर्थ सेम की रेगुलर एग्ज़ाम एक साथ देना पड़ेगा, जिसका मीनिंग ऑलमोस्ट आपको 10 सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम जो है वो एक साथ देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो मुझे तो क्लियर कट यही समझ में आता है कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर में 10 सब्जेक्ट्स में से 6 सब्जेक्ट बैकलॉग लगाता है या फिर उससे ज़्यादा लगाता है तो वो स्टूडेंट जब अपने फोर्थ सेम में जाएगा तो ऐसा कोई चमत्कार तो नहीं होगा, ऐसा किसी का कोर्स लेके इतना चमत्कार तो नहीं होगा कि 10 में से 10 सब्जेक्ट वो निकाल ले, ठीक है। एंड उसमें भी सब्जेक्ट्स थोड़े टफ होते हैं एंड सेकेंड ईयर में आपका डिपार्टमेंट में आप जाओगे, ठीक है, आपको जो भी आपका कोर्स होगा उससे स्पेशलाइज जो चीज़ है वो सिखाई जाएगी, साथ ही में M3 ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, ठीक है। तो इसमें तो तुम्हारी लगेगी ही, ठीक है, इसमें भी तुम्हारी लग सकती है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट ईयर में ही 50% या फिर उससे ज़्यादा सब्जेक्ट बैकलॉग है तो मैं तो बोलूँगा कि ऐसे सब्जेक्ट को कैरी ऑन लेना इज़ वेरी टफ, मतलब काफ़ी हेक्टिक होगा। एंड देखो ये जब सेकेंड फोर्थ सेम में आप 10 इसकी एग्ज़ाम दोगे तो इसके साथ आपने ये जो 6 बैकलॉग दिए थे, ठीक है, तो इसमें से 6 में से 6 एक सेम में तो निकालना मुझे तो नहीं लगता निकाल पाओगे, बिकॉज जितना मुझे पता है नहीं निकाल पाते बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। बिकॉज जिनके लगते अब 6 बैकलॉग लगे उनकी मनस्थिति तो आप समझ सकते हो कि कैसे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो 6 में से 3 इधर निकाल लिए, वापस से ये बैकलॉग एग्ज़ाम यहाँ पे देना पड़ेगा, 3 ये बैकलॉग के सब्जेक्ट, 10 ये सब्जेक्ट, अब इसमें से कितने निकालोगे, इसमें से तुमने 5-6 निकाल लिए हो गए तुम एलिजिबल थर्ड ईयर के एडमिशन के लिए, ठीक है। थर्ड ईयर में जाओगे तो सेकेंड ईयर के 5 बैकलॉग के साथ जाओगे, तो वहाँ पे 10 सीखना तो 15 सीखने जाओगे, तो ओवरऑल ये जो है वो अभी नहीं तो बाद में आपको जो है वो प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बैकलॉग लगे हैं मैं तो बोलूँगा कि ड्रॉप ले लो, थोड़ा शांत कर लो खुद को, ठीक है, पहले पूरे क्लियर कर लो फिर सेकेंड ईयर में जाओ। बिकॉज देखो अभी अगर आपको कैरी ऑन मिल गया तो आपका ईयर जो बोल रहे ना ईयर वेस्ट नहीं होगा, तो अभी वेस्ट नहीं होगा तो आगे जाके वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज सेकेंड ईयर में तुम्हारे पाइलअप सब्जेक्ट इतने सारे हो जाएंगे कि आप वो निकाल नहीं पाओगे, वो बैकलॉग लगेंगे तो फिर थर्ड ईयर का भी प्रेशर आएगा, तो ओवरऑल ये जो प्रेशर है वो कम होने से ज़्यादा बढ़ते ही जाएगा। तो जब भी आप सोच रहे हो कि कैरी ऑन लेना चाहिए या फिर नहीं तो पहले सोचो कि तुम इतने सब्जेक्ट निकाल पाओगे या फिर नहीं। बिकॉज ऐसा बच्चा जो पहले ईयर में 10 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट नहीं निकाल पाया, वो बच्चा सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में एक साथ 10 सब्जेक्ट कैसे दे पाएगा, ठीक है, एकदम नॉर्मल सी बात है। एंड ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं दे सकता है, अब उसके पीछे कुछ रीजंस भी है। थर्ड सेम में जो चीज़ें आपको सिखाई जाएगी उसका पेपर अगर फोर्थ सेमेस्टर में होगा तो क्या ही रिलेट करेगा, ठीक है, उसमें भी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, ओरल्स होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में जो चीज़ें पढ़ाई जाएगी उसका ध्यान रखें, या फिर थर्ड सेमेस्टर में जो चीज़ें पढ़ाई गई उनको याद करें, या फिर बैकलॉग का निकालें, बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो बैकलॉग ऐसे स्टूडेंट को तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि यार कैरी ऑन मत लो, सीधा सीधा जो है वो ड्रॉप ले लो, पहले सब्जेक्ट निकालो, देन फ्रेशली जो है वो सेकेंड ईयर में जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा एंड आपके इंजीनियरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे। नहीं तो फोर्थ ईयर तक आप बैकलॉग की एग्जामिनेशन जो है वो देते रहोगे एंड फोर्थ ईयर तक स्ट्रगल ही कर पाओगे, ठीक है। एंड इससे होगा क्या कि जब आप अपने फाइनल ईयर में जाओगे तो फाइनल ईयर के जब आप 7 सेमेस्टर में जाओगे तब लाइफ केटी को ही रहना नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि अगर आपको प्लेसमेंट्स में बैठना है तो लाइफ केटी नहीं रहना चाहिए, अगर आपकी डेड केटी है तो चलता है, ठीक है। मतलब आपका एक बैकलॉग लगा आपने वो निकाल लिया तो सही है, आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, ठीक है। बट आप 7 सेमेस्टर में गए, 8 सेमेस्टर में गए, तब आपके थर्ड ईयर के बैकलॉग है तो उस टाइम आप जो है वो प्लेसमेंट में भी नहीं बैठ पाते हो, ठीक है। बिकॉज कंपनी का सीधा सीधा क्राइटेरिया होता है कि आपके केटी हो चलेगा, आपका लाइफ केटी नहीं रहना चाहिए। मतलब जिस टाइम आप
हमारे प्लेसमेंट ड्राइव में बैठ रहे हो उस टाइम आपका कोई भी बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। पहले अगर कोई लग गया वो आपने निकाल लिया, हमको कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। बट जिस टाइम हमारे प्लेसमेंट में आप बैठ रहे हो उस टाइम कोई लाइव केटी है, तब हम आपको जो है वो बैठने नहीं देंगे, यू आर नॉट एलिजिबल। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है, मैंने उसमें कंपनीज़ का जो आप ब्रॉशर आता है ना जब प्लेसमेंट के लिए आते हैं वो भी दिखाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अब जो क्रिटिकल वाले स्टूडेंट है उनके लिए हो सकता है कि काम में आए, बट एक चीज़ यहाँ पे यही है कि यार एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट निकालने के लिए आपको जब नेक्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम आप दोगे तो उसमें रेगुलर सेम, फिफ्थ सेम एंड सिक्स सेम सभी के एग्ज़ाम आपको एक साथ देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा हेक्टिक आपके लिए हो सकता है। तो सोचो क्या करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ड्रॉप भी ले सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, बिकॉज जो सब्जेक्ट इतने सेमिस्टर में नहीं निकला क्या पता वो फिफ्थ सेम में निकलेगा या फिर नहीं। एंड और एक चीज़ इसमें क्लियर कट ये भी लिखा है कि आपको जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी, ठीक है। जितना मुझे समझ में आया इधर तो लिखा है कि फ़ीस आपको जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है, कि अगर आपने एडमिशन ले लिया एंड आपका जो क्रिटिकल सब्जेक्ट है वो नहीं निकला तो आपने जो फीस भरी है वो मिलेगी नहीं, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, जे तात्पुरता प्रवेश विद्यार्थी हिवाळी 2023 मधील परीक्षामध्ये प्रथम द्वितीय तृतीय वर्षांचे अनुषंग पूर्ण करू शकणार नाही व प्रचलित नियमानुसार तृतीय चतुर्थ वर्षाच्या पाचव्या सातव्या सत्राकरीत अपात्र ठरतील अशा विद्यार्थ्यांचा तात्पुरता प्रवेश हा आपोआप रद्द होईल, त्याकरीत अशा विद्यार्थ्यांना त्यांनी महाविद्यालयाकडे जमा केलेले शैक्षणिक शुल्क व इतर बाबी यांना परतावा दे राहणार नाही, ठीक, मतलब फीस नहीं मिलेगी, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। कंफर्म करने के लिए कॉलेज में पूछो, मैं इसकी मतलब गारंटी नहीं लेता हूँ कि ऐसा ही लिखा है, आप कॉलेज में जाके पूछो वो आपको बताएंगे। एंड मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप अपने टीचर से भी जो है वो सजेशन लो कि हमें कैरी ऑन लेना चाहिए या फिर ड्रॉप लेना चाहिए, कुछ टीचर अच्छे होते हैं वो आपको जो है वो चीज़ें अच्छे से बता सकते हैं, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस होता है, उनके नीचे से 10-20 बैच गई होती है, ठीक है, उनको पता होता है कि कितने स्टूडेंट्स निकाल पाते हैं, तो उनसे बात करो वो भी आपको जो है वो चीज़ें अच्छे से समझाएंगे। बस ये मत सोचो कि कैरी ऑन मिल गया तो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे मेहनत करेंगे, गधे नहीं हो कि मेहनत करके सब निकल जाएगा, ठीक है। मेहनत करना होता तो पहले ही कर ली होती ना, ठीक है, कुछ हो गया ऐसे कि तबीयत वगैरह ख़राब होगी तब भी सोचो कि 10 सब्जेक्ट निकाल पाओगे या नहीं, ठीक है। तो टीचर्स को पूछो, समझाएंगे वो आपको एंड आपको भी समझ में आएगा। बाकी बैकलॉग वाला वीडियो देखो, उससे भी समझ में आएगा कि प्लेसमेंट में एलिजिबल रहोगे या फिर नहीं, ठीक है। तो होप सो आपको सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी, एंड कॉलेज में पूछना, अच्छे से पूछना, तभी आपको और चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप सो आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी।